कोई शेयर है ही नहीं, मैं उसे बेच कैसे दूं? उसे शॉर्ट करना बोलते हैं। बोलते होंगे, करते कैसे हैं? अरे शेयर तेरे पास नहीं है, पर जिस ब्रोकर के पास तेरा ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, उसके पास बहुत सारे शेयर होते हैं। समझ, आज रिलायंस के शेयर का भाव 100 रुपए है, तुझे लगा कि शायद वो नीचे भी जा सकता है। तूने ब्रोकर को बोला कि तेरे लिए 10 शेयर 100 रुपए के भाव से बेच दे, उसने 100 रुपए के भाव से 10 शेयर बेच दिए, तो उसके पास कितना पैसा मिला? 1000। तो वो 1000 मेरे हो गए? अरे अभी नहीं, पैसा ऐसे नहीं मिलेगा, पहले जो शेयर बेचा है वो वापस खरीद के देना पड़ेगा ना। हाँ। और ये सेटलमेंट के लिए शेयर मार्केट में 14 दिन का साइकिल चलता है। अब इस 14 दिन में शेयर का भाव कभी ऊपर कभी नीचे सब हो सकता है, 110, 120, 80, 90 कुछ भी। जिस दिन शेयर का भाव 80 होगा, तूने अगर ब्रोकर को बोला कि मेरे लिए 10 शेयर खरीद लो, तो उसने वो 10 शेयर कितने में खरीदे? 800। हाँ, इसे बोलते हैं ट्रांजेक्शन स्क्वायर ऑफ करना। 1000 में बेचा, 800 में खरीदा, प्रॉफिट कितना हुआ? 200। 200 का प्रॉफिट पूरा नहीं होता, थोड़ा कमीशन कटता है, बाकी सब तेरा। क्रिकेट में सट्टे की तरह हुआ ना कि हारने वाली टीम को पैसा लगाया, टीम हार गई, तुम्हारा प्रॉफिट। टीम जीत गई तो शेयर का भाव बढ़ गया तो? पर अगर तुझे टीम की हिस्ट्री पता हो, प्लेयर का रिकॉर्ड पता हो, पिच की कंडीशन पता हो, तो उसे सट्टा नहीं कहते, उसे कहते हैं कैलकुलेटेड प्रेडिक्शन। कर लेगा ना हर्षद के धंधे की धार, भरोसा रख, अच्छे अच्छों की कट जाती है इसके सामने।